स्वागत है आप सबका इस दूसरे वीडियो में जो हिंदी में होने वाला है और स्टडी डिस्कस करने वाले है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांड है और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है इसकी गारंटी मैं लेती हूँ ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज की प्लानिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि अगला ब्रांड कौन सा देखना है किसके केस स्टडी एनालाइज करनी है हिंदी में ऑफ कोर्स और शुरू करने के पहले लाइक like कीजिए ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को दबा के गाई सब्सक्रिप्शन एप्सल्यूटली फ्री है मैं कोई पैसे नहीं चार्ज कर रही सो प्लीज़ गो अहेड हेड एक मिनट लगता है यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड uh, चलिए फिर शुरुआत करते हैं जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस तरह से एडवर्टाइज करें कितना मार्केटिंग बजट डालें किन कंज्यूमर्स को टारगेट करें राइट यही चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है पर अगर मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जिसने कोई मार्केटिंग या कोई एडवर्टाइजिंग नहीं किए बिना सौ करोड़ रुपए कमाए हैं सिर्फ आठ महीने में सौ करोड़ के सेल्स हुए हैं आठ महीने में तो क्या आप बिलीव करोगे yes, ये absolutely true है केस ऑफ पल्स कैंडी पल्स कैंडी एक एक रुपए की कैंडी आती है सॉर्ट ऑफ ग्रीन कलर ग्रीन एंड ब्राउन कलर का पैकेज होता है खट्टे मीठे आम का फ्लेवर होता है और वो कैंडी जब लॉन्च हुई थी आठ महीने में ही सौ करोड़ का बिजनेस कराया है उस कैंडी ने बिना कोई मार्केटिंग बिना कोई एडवरटाइजिंग किए सो ये वीडियो में हम स्पेशली देखने वाले हैं कि वॉट रियली वर्क फॉर पल्स कैंडी ऐसी क्या चीज थी जो पल्स कैंडी इतना सक्सेस पा सके इन द इन द एट मंथ स्पैन जो एट मंथ बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है गाइज एक प्रोडक्ट लॉन्च के बाद किस तरह से उन्होंने ये हासिल किया है इससे बहुत ज्यादा सीख मिलती है स्पेशली मार्केटिंग स्टूडेंट्स को तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे नंबर वन डीएस ग्रुप का बैकग्राउंड एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नंबर टू पल्स कैंडी यूनिक क्यों है नंबर थ्री पल्स कैंडी की सक्सेस स्टोरी तो सबसे पहले पल्स कैंडी के पेरेंट कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप और कॉमनली रेफर टू एस डी एस ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जो 1929 में फॉर्म हुई थी ये कंपनी काफी सेक्टर्स में ऑपरेट करती है जैसे कि हॉस्पिटैलिटी टोबैको माउथ फ्रेशनर्स एक्सेट्रा इनके काफी फेमस प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि पास पास माउथ फ्रेशनर्स कैच मसाला एंड ऑफकोर्स पल्स कैंडी अब हम डिस्कस करते हैं कि पल्स कैंडी आखिर इतनी यूनिक क्यों है पल्स कैंडी तो हम सब ने खाई ही है स्टैटिस्टिक्स के माने तो हर इंडियन ने कम से कम तीन बार ये कैंडी को चखा है तो मेन रीजन जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कैंडी बहुत फेमस हुई है वो है उसका क्वर्की टेस्ट और उसकी प्राइस सिर्फ एक रुपए में आपको खट्टे आम का फ्लेवर मिलता है विद दैट काला नमक ट्विस्ट जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है लोगों को पल्स कैंडी का अलग एक रीज़न है उनकी सक्सेस का वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका काफ़ी स्ट्रांग है आप कोई भी छोटे पान वाले के पास जाइए या कोई बड़े स्टोर के पास जाइए पल्स कैंडी का अवेलेबिलिटी ऑलवेज होता ही है आई रिमेंबर एक टाइम ऐसा था जब मुझे पल्स कैंडी खरीदना था और एक कोई स्टोर में अवेलेबल नहीं था क्योंकि इनिशियली उन्होंने बताया था मुझे कि दो दिन पहले ही एक कस्टमर ने आके पूरा का पूरा डब्बा उनसे ले लिया था एंड ये रिसर्च से भी पता चला है कि मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर टू बाय बल्क क्वांटिटी में ओके सो बल्क क्वांटिटी में हमें वो प्रोडक्ट खरीदना है क्योंकि हमें वो उतना टेस्ट उस चीज़ का पसंद आया है और गाइस ने वन पॉइंट फाइव इन की रिसर्च के बाद ये फ्लेवर फाइनलाइज किया है और हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एक प्रोडक्ट का जो टेस्ट है जो फ्लेवर है वो कंज्यूमर को पसंद आए या नहीं उसके पीछे काफी मार्केट रिसर्च होती है गाइस और अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि आपके कंज्यूमर्स को एग्जैक्टली exactly क्या पसंद आता है तो आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के बजट में काफी सेव कर सकते हैं फाइनली हम पल्स सक्सेस स्टोरी में डीप डाइव करते हैं पल्स कैंडी अर्ली 2015 में लॉन्च हुआ था और जैसे मैंने पहले ही कहा है आठ महीनों में ही इन्होंने हज, आ, सौ करोड़ से ज्यादा के सेल्स किए थे नाउ गाइज ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा नंबर है स्पेशली जब आपने कोई एडवर्टाइजिंग या कोई मार्केटिंग की नहीं है इनफैक्ट मार्केटर्स खुद डिसबिलीव में थे कि कैसे एक प्रोडक्ट ने विदाउट विदाउट मार्केटिंग एनी एडवर्टाइजिंग ये पर्टिकुलर फिगर हासिल किया सो so, अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था कि पल्स कैंडी इतना सक्सेस पा सके सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से पल्स कैंडी इतनी पॉपुलर हुई थी वो था उसका टेस्ट सो so, इससे हमें ये सीख मिलती है कि प्रोडक्ट हैज़ टू बी द किंग अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको कोई मार्केटिंग या कोई एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो अपने आप ही बिक जाएगा दूसरी चीज़ जो उनके फेवर में अच्छे से काम आई वो थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये इंश्योर करना है कि आपके कंज्यूमर्स के पास आपके प्रोडक्ट्स एकदम टाइम पे और अच्छे से अवेलेबल हो अच्छे से अवेलेबल होना मतलब एक कोई दुकान में सिर्फ दस कैंडीज़ आपने दे दिए तो वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छा अवेलेबिलिटी नहीं होती है आपको वो प्रोडक्ट अच्छे से अवेलेबल करना है सो so दैट अगर कोई बल्क में भी बाय करे तो वो प्रोडक्ट सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए थर्ड थिंग जो उनके बहुत यूज़ में आई थी वो था वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग वर्ड ऑफ़ माउथ मार्केटिंग पे मैं आगे जाके एक वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ जिसमें मैं बात करूँगी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इम्पोर्टेंस के बारे में बट यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब समझ लेते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया और मुझे वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा तो मैं मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली को जाके उसके बारे में बताऊँगी सो so दैट आगे जाके वो लोग भी वही प्रोडक्ट खरीदे इस तरह से अगर मैंने पल्स कैंडी खाई है तो मैं मेरे फ्रेंड्स को जाके बताऊंगी कि ये नया कैंडी मार्केट में आया है ज़रूर ट्राई कीजिए तो क्या होता है वो लोग भी जाके वही प्रोडक्ट खरीदते हैं इवेंचुअली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाते हैं तो ये प्रोडक्ट से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है और अगर हम तुम कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट से अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हो तो आपको एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है आपका कंज्यूमर क्या पसंद करेगा और उस हिसाब से आपको आपका प्रोडक्ट ऑल्टर करना है सो so दैट उनको वो प्रोडक्ट पसंद आए सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो पल्स कैंडी का केस स्टडी बहुत अमेजिंग केस स्टडी है जो मार्केटिंग स्टूडेंट्स को जरूर जानना चाहिए जरूर समझना चाहिए कैसे एक प्रोडक्ट ने इतना ज़्यादा सेल किया है विदाउट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके बाकी वीडियोज़ बनाने के लिए आप सबके लिए तो मिलते हैं अगली बार विथ अनदर ब्रांड अनदर केस स्टडी टू लर्न फ्रॉम अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय